हेलो भाइयों, कैसे आप सब। आज का हमारा वीडियो होने वाला है फ्रॉन्क्स गाड़ी के ऊपर। देख लो, जो सुजुकी की न्यू गाड़ी लॉन्च हुई है उसके बारे में, जैसे फ्रंट लुक्स वगैरह आपको है ना, जैसे ग्रैंड विटारा में आता है लुक, उस टाइप की इसमें ग्रिल वगैरह देखने को मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा वगैरह भी, और जो लाइट का मतलब ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह है उस टाइप से ही है। काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी दिखने में वैसे। और यहाँ पे देख लो, LED का आपको यूज़ देखने को मिल जाता है। जो फ्रंट में यहाँ पे स्किड प्लेट लगी हुई, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी आप देख लो, रेड कलर तो मतलब है ना, कैमरे में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अभी देख लो यहाँ पे जैसे वो है, तो ये देखो आप यहाँ व्हील्स वगैरह की प्रोफाइल चेकआउट करो। यहाँ पे 16 इंचज़ के आपको टायर देखने को मिलते हैं। इस टाइप की आपकी ये गाड़ी है। तो अभी देख लो, जैसे ओवर व्यूज वगैरह यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैकआउट है। 360 डिग्री कैमरा ये रहा, ये भी आप देख लो। तो मतलब है ना, इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा फीचर आने वाले हैं, जो अभी मतलब गाड़ियों में नहीं आ रहे, जैसे रेन वाइजर्स वगैरह, ये सभी तो मतलब कॉमन ही है आपका। इंटीरियर में चल के दिखाऊंगा इंटीरियर में दरअसल क्या है। सबसे पहले आप रियर में देखो, यहाँ से जो इसमें सॉफ्ट टच वगैरह मटेरियल काफ़ी अच्छे यूज़ किया गया है। ये भी अपना कार्बन फाइबर फिनिशिंग का था, पर ग्लो आपको मतलब काफ़ी अच्छे यहाँ पे साइन वगैरह दे रहा है ये भी। और यहाँ पे गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट करो पहले तो आप, मतलब इंटीरियर के तो क्या ही कहने। अभी लेदर रैप सीट्स वगैरह तो नहीं आती, पर ये देख लो अच्छी काफ़ी लग रही है। यहाँ पे तीनों आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह, और जो AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं, आपके चार्जिंग सॉकेट्स, ये भी आपको मिल जाते हैं। गाड़ी के स्पेस वगैरह है, काफ़ी अच्छा गाड़ी में स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है। ये भी आप देख लो, जैसे ग्रैब हैंडल्स वगैरह, यहाँ पे येलो लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। अभी जैसे फ्रंट में गाड़ी के आपको दिखाता हूँ दरअसल क्या है। इंटीरियर है भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। स्टेयरिंग व्हील वगैरह की ये भी आप चीज़ देख लो। आपको बताइए जी, कैसी लगी गाड़ी देखने में। गाड़ी बहुत बढ़िया है ना। हाँ, काफ़ी अच्छे। जैसे इसकी बुकिंग्स वगैरह ये भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद देखते हैं, जैसे भी मतलब जिनका भी प्लान हो लेने का वो ले सकता है। तो अभी आपको सीधा ये दिखा रहा हूँ मैं, देख लो गाड़ी, मतलब जो इसका टच स्क्रीन वगैरह वही वैसा ही है जैसे आपका सुजुकी नॉर्मल गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग में आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, ये सभी चीज़ें जो आपका सुजुकी का यहाँ पे सिग्नेचर स्टेयरिंग है वो इसमें देखने को मिल जाता है। पावर, चारों पावर विंडो वगैरह, पुश स्टार्ट बटन, और जो आपको इसमें ऑटो डिमिंग मिरर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी हम जैसे गाड़ी के रियर के बूट स्पेस वगैरह की बात करते हैं, बूट में चल के दिखाता हूँ दरअसल इसमें क्या देखने को मिलता है। ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में आपकी काउंट होती है। देख लो फ्रॉन्क्स की आपको काफ़ी अच्छी तरीके से अभी वो देखने को मिल जाती है। रिफ्लेक्टर वगैरह ये भी आप देख लो, मतलब है ना गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर मतलब लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, जैसे मतलब सोनेट वगैरह है, ये वेन्यू वगैरह है, उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए गाड़ी आ चुकी है मार्केट में। बूट स्पेस वगैरह ये भी काफ़ी अच्छा है। आपको बूट लाइट वगैरह ये भी इसमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट अभी स्पेसिफिकेशन आई नहीं है। जो प्राइसिंग वगैरह वो मैं आपको इसके बाद में बता दूँगा, जैसे कभी शोरूम में आएगी तो इसका लॉन्च के टाइम। रूफ रेल्स वगैरह, छत का आप लुक आउट यहाँ से चेकआउट कर लो, जैसे अभी मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो रेन वाइजर्स वगैरह प्रॉपर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये भी ये गाड़ी की अभी साइड प्रोफाइल निकल के आ रही है। और टायर वगैरह ये भी आप देख लो, साइड ग्लाइडिंग वगैरह पे ये भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये देख लो आपको फ्रॉन्क्स की बैजिंग काफ़ी अच्छी है। सब फॉर कॉम्पैक्ट SUV उसके अंडर में अकाउंट होगी, मतलब सुजुकी मतलब जो आपकी वेन्यू है किया सोनेट उसको टक्कर देगी। अब फर्स्ट इन सेगमेंट, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, ये सभी चीज़ें मिल जाती है। इस वेरियंट की अगर हम बात करता हूँ, देख लो जैसे इसमें सनरूफ वगैरह तो अभी नहीं है, पर वैसे आप गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो। यहाँ पे ये वाला पार्ट ये भी यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, अपना लेदर वगैरह देखने को नहीं मिलता। ये भी आप देख लो गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल, मतलब काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है गाड़ी की। और जैसे ऑटो डिमिंग IRVM ये भी आपको मिल जाता है, ये भी एक काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे फीचर एड ऑन हो जाता है गाड़ी में। और लाइट वगैरह ये भी आप देख लो, तो मतलब गाड़ी की तो नेक्स्ट लेवल ही है ये भी। और स्टेयरिंग व्हील वगैरह ये भी आप देख पा रहे होंगे अभी। और जो गियर नो वगैरह है ये भी आप देख लो, जैसे यहाँ पे ग्लोस फिनिशिंग के साथ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब सच बताओ ना, पर्सनली तो गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। अभी इसकी प्राइसिंग वगैरह देखेंगे कि कैसे रहेगी, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा।